हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर का एक यूज़ होने वाला फाइबर का मशीन है OTTR। आज हम लोग OTTR के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आप सबको न्यू ईयर का शुभकामनाएं देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जो मेरे बिगनर भाई लोग हैं ये लोग के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये एक OTTR है, और एक बात आपको बोल दूँ, ये OTTR का फुल नेम है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। तो दोस्तों देखिए, ये है पावर बटन जो ऑन ऑफ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको इधर देखिए, अच्छे से देखिए, ये हो गया ऑटो, ये हो गया होम बटन, और आपको जो काम पे लगने वाला है विशेषता में, ये जो ग्रीन वाला बटन देख रहा है ये हो गया ट्रेस मारने वाला, इधर एंटर एक बटन है, और ये फाइल है सेटअप, और ये रिजल्ट, यही चीज़ अब काम पे आने वाला है। तो अभी हम लोग OTTR को ऑन करते हैं। चलिए पावर बटन को दबा के ऑन करते हैं, इसको देखते हैं और क्या क्या बेसिक में आता है। ये हो गया आपका चार्ज करने वाला पावर पॉइंट, यहाँ पे आपका USB कनेक्ट करने का पॉइंट होता है, यहाँ पे आपका पेस्कोट कनेक्ट करने का एक कनेक्टर भी रहता है। तो ये हो गया पेस्कोट। अभी देखते हैं इसका पीछे का लुक कैसा है। ये देखिए इसका मॉडल और इसका कंपनी का नाम लिखा हुआ है JDSU का एक OTTR है ये। इसका मॉडल आपको दिखा देता है, इसका मॉडल है MTH 4000। ये देखिए लिखा हुआ है MTH 4000। अभी इसको हम लोग ऑन करते हैं। चलिए, तो दोस्तों OTTR ऑन होते होते आपको एक काम करना है, जाके फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये हो गया हमारा OTTR ऑन। चलिए देखते हैं इसका पेस्कोड कैसे कनेक्ट करता है। जैसे कि ये पेज कोड आप देख रहे हैं, इसमें एक आपको छोटा सा एक लाइन भी दिख रहा होगा, इसमें ये आपको उस कनेक्टर का जो इसका मिलाया हुआ है, घाट मिलाया हुआ है, ये आपको मिला के लगाना है। अगर उल्टा लग गया तो ये नहीं लगेगा और आपका ट्रेस भी नहीं जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से देख के ये आपका जो लाइन दिया हुआ है ये लाइन मिला के आपको लगाना है बस। इसमें सिर्फ आपको इतना ही करना है, और उसके बाद इसको लगा के आपको इसको एलकोल से सफ़ा करके लगाना है। अभी देखते हैं इसका कुछ सेटिंग्स वगैरह। तो चलिए देखिए, ये हो गया सेटअप, को पहले जाना है सेटअप में। सेटअप में क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसमें कोई लेफ्ट राइट और अप डाउन बटन है। जैसे ही आप डाउन बटन में क्लिक करते हैं तो एक नंबर पे आ गया आपका लेज़र 1550 और 1310 है। उसके बाद आपके आ गया एक्विजिशन मैनुअल है, ऑटो में है, दो है। उसके बाद आपको तीन नंबर में मिल जाता है रेंज, जिसमें आपका 80 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आपको जितना भी मारना है उतना हिसाब करके आप लगा सकते हैं। आप ऑटो पे भी मार सकते हैं, ऑटो पे मारने से आपको मतलब कोई कोई डिस्टेंस सब वगैरह कुछ भी सेट नहीं करना होता है। आइडिया है तो उसमें आपको रेंज सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है पल्स, आपका रेंज के साथ ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। जैसे कि 40 किलोमीटर में 300 है, 10 किलोमीटर में 100 है। रेजोल्यूशन,
रेजोल्यूशन का आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइम सेट करना पड़ता है। टाइम आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट मैनुअल लगा सकता है। और इसमें आपको एक रियल टाइम भी मिलता है। रियल टाइम के लिए मैं आपको अलग वीडियो बना के दे दूँगा। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा। बात है स्मार्ट ASCQ, उसके बाद OTTR कनेक्टर टेस्ट, इसके बाद है लंच केबल एंड उसके बाद है, ये सब आपको ज़रूरी नहीं होता है, बस इतना ही बेसिक सेटिंग में होता है। बहुत सीधा आपको लाइव टेस्ट दिखाते हैं। ये ग्रीन वाला बटन पहले जो बोला हुआ है, इसको ट्रेस मारने के लिए होता है, तो इसमें मारने से ट्रेस चालू हो जाता है। तो ये देखिए ट्रेस चालू हो गया हम लोग का। ये फाइबर जा रहा है, आपको जैसे कि सेटिंग में देखा है 40 किलोमीटर रेंज लगा के रखा है हम लोग, तो इसमें ट्रेस जा रहा है। देखते हैं कि फाइबर जब ट्रेस जाता है, अगर फाइबर सही है तो ऐसा क्लीन करके सीधा आप ग्राफ दिखाएगा। फाइबर में लॉस होगा तो उसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा, कैसा लॉस दिखाता है ग्राफ में। कैसे आप ग्राफ देख के पता कर सकते हैं कि फाइबर में लॉस है, तो ये फाइबर आप देखिए 34.9 किलोमीटर जा रहा है और इसका टोटल लॉस आ गया 11.72। तो ये हिसाब से ठीक ही है, लॉस इतना ज़्यादा नहीं है। इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन मेंटेनेंस में चल जाता है ऐसा, लेकिन प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं चलता है, इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता है। तो इसका जितना आप रेड लाइन दिख रहे हैं, ये सब लॉस है, इवेंट है, या तो या में जॉइंट है, नहीं तो या में कोई डैमेज या कोई भी वजह से यहाँ पे लॉस आया है। तो इसमें आपको हर एक रेड लाइन इवेंट इवेंट दिखाता है, ये इवेंट होता है। कर्सर ए और कर्सर बी, अगर आपका कर्सर ए में रहा, कर्सर ए नहीं हिलेगा, दोनों में रहा तो दोनों एक साथ में हिलेगा। आपको ये ए होता है और ये आपका कर्सर बी है, तो आपको ये इसमें आपको बी में सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ये लेफ्ट में या राइट में मार के इसको ये कर्सर को मतलब इधर से उधर कर सकते हैं। तो आपको इवेंट देखने के लिए ये वाला जो आपको कर्सर लेफ्ट में या राइट में मार के इसको ये कर्सर को, तो इसमें आपको इवेंट भी शो करेगा, जहाँ पे ये जिन रेड लाइन पे ये जाएगा वहाँ पे जाके ये मतलब आपको इवेंट दिखा देगा कि इसमें कितना लॉस है, कितना डिस्टेंस पे है और इस हद तक टोटल लॉस कितना है। तो ये बटन आपको सिंपली मतलब इसमें बटन जो रिफ्लेक्ट लेफ्ट राइट का बटन है, उसमें आपको ये आराम से दिख जाएगा। लेकिन अगर ये बटन नहीं हिलता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला 3 नंबर वाला बटन में क्लिक करना है, तो ये आपका जो कर्सर है बी कर्सर ये हो गया एक्टिव। अभी देखिए ये हिल रहा है। इसमें और एक चीज़ है, आप ट्रेस कंप्लीट करे बिना आइडिया लगा सकते हैं कि ये फाइबर कितना दूर तक जा रहा है। जैसे कि ये कर्सर है, ये कर्सर को आपको जहाँ ये पीक उठ रहा है ऊपर में, ये जगह पे एक्यूरेट जगह पे आप अगर लाएंगे उसको, तो आपको इधर ऊपर में नज़र आएगा जो कि दिख रहा है आपको 34.820 मीटर, मतलब 34 किलोमीटर 881, मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि इसके आसपास तक आपका फाइबर जा रहा है। तो आप देखिए नीचे देखिए, अभी इसका जो रिज़ल्ट आया है यहाँ पे देखिए 34.9, मतलब इसके आसपास आ गया ना। तो कुछ इस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं इसका कि ये कितना दूर तक जा रहा है। अगर ये पीक उठा हुआ है तो ये फाइबर आप समझ लीजिए ये ब्रेक है, और ये फाइबर बेंड कैसे पकड़ते हैं इसके बारे में आपको लाइव वीडियो में दिखा दूंगा। अगर आपको आप कमेंट करेंगे आपको चाहिए बोल के जानना है तो ये भी दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका फाइबर का एंड, और ये अगर फाइबर कटा हुआ है ब्रेक है तो कुछ इस तरह का ये दिखाता है।
और अभी दिखाते हैं आपको एक इसका क्विक सेटअप। तो इसमें आपको इधर डायरेक्ट इधर मिल जाता है आपको लेज़र 1550 का, यह है एक्विजिशन रेंज और पल्स और टाइम। बेसिक में जो ज़रूरी होता है आपको यहाँ पे मिल जाता है ये। और इसके बाद आपको अगर फाइबर में पावर मिल रहा है तो आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा OTTR, सिग्नल डिटेक्टेड ऑन फाइबर अंडर टेस्ट, जिस तरह से दिखाएगा। और अभी दिखाते हैं आपको कुछ और चीज़ें, जैसे कि होम बटन में मारने से क्या होता है। देखिए ये होम बटन मारने से कुछ इस तरह से पेज आता है। इसमें आपको होता है इसमें सिंगल मोड OTTR, उसके बाद है सिंगल मोड स्मार्ट टेस्ट, और उसके बाद सिंगल मोड सर्च। तो आपको सिंगल मोड OTTR पे टेस्ट मारना है हमेशा, ये बात याद रखिए। तो आपको सीधा आपको जाना है रिजल्ट पे, देखिए ये आपका ट्रेस मारने का बटन है, ये भी मारने से भी होता है, और आपको रिजल्ट में मारने से भी डायरेक्ट आपको ये पेज आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आप ये एंटर बटन में मारने से ये आपको ग्राफ थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा पेज, अगर इसको अगर आपको ये जो कॉर्नर पे एक चीज़ दिख रहा है ये वाला आपको ख्याल करना है कि ये फुल में आ रहा है या छोटा में आ रहा है। इसको कभी कभी ये मतलब एकदम छोटा सा दिखाता है, आपको लगेगा फाइबर बहुत आगे जा रहा है, लेकिन ये फाइबर आपको आगे तो जा रहा है लेकिन आपको ये ग्राफ में फुल ग्राफ में नहीं दिखता है। तो आपको ये कॉर्नर पे देखना है जो रेड लाइन है ये फुल है कि नहीं, ये हमेशा फुल रहना चाहिए, तब जाके आपको एक्यूरेट जो लेंथ है वो आपको दिख जाएगा ग्राफ में। और उसके बाद ये फाइल है, फाइल बटन में कुछ आने से इस तरह से व्यू आता है। तो इसमें देखिए फाइल में कुछ भी नहीं है, इसका ऊपर वाला फाइल में कुछ नहीं है, हार्ड डिस्क में जाके मिल जाएगा फाइल। तो फाइल में आपको कुछ दिख रहा है, फाइल में ये सब एक एक ट्रेस रिपोर्ट है। तो आपको राइट मारने से इसमें आ जाएगा आपका जो, तो ये है आपका LC पे छोटा वाला है, और ये मोटा वाला होता है ये SC। तो ये एक SC LC पे पेस्कोट बोलते हैं इसको, ज़्यादातर यूज होता है तीन टाइप का ही पेस्कोट, एक होता है आपका SC और एक होता है LC और एक होता है SC। ये जो SC LC या FC है ये होता है आपका पिक्टल, और इसमें अगर आपको फाइबर जोड़ दिया जाए तो इसको पेस्कोट कहते हैं। अगर आपको फाइबर से जुड़े हुए कोई भी मशीन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को क्लिक कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।